हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू नीटिंग चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज आपके लिए कितना सुंदर कितना प्यारा सा स्वेटर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, बिल्कुल साफ़ बनाया हुआ है, इस पे कोई डिज़ाइन नहीं डाला है फ्रेंड्स मैंने। एक पूरी रो सीधी, एक पूरी रो उल्टी, ऐसे करके बनाया मैंने। और इसको अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए इसके ऊपर मैंने फूल बना के लगाए हैं। ताकि ये देखने में बिल्कुल सुंदर लगे। ये देखिए, इसकी बटन पट्टी ये अलग से बनाई है मैंने। ये देखिए, बटन पट्टी अलग से बनाई है। यहाँ से ये देखिए, फंदे उठाते हुए अलग से बना के, ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, इसे बनाना उतना ही आसान है। बिल्कुल साफ बनाया है। इसको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये देखिए, मैंने दो कलर की ऊन, एक से मैंने फूल बनाए हैं। आप अगर कलरफुल और कलर के भी फूल लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने एक ही कलर के फूल लगाए हैं, आप अलग अलग कलर के फूल भी बना के लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस कलर के वाइट कलर के फूल लगाए हैं और बीच में मैंने इसी कलर को यूज़ किया है, इसी कलर को लगाया है। और इसको बनाने के लिए ये देखिए, मैंने क्रोशिया हुक लिया है। यहाँ पे मैंने सिलने के लिए निडल ली है, सीज़र ली है और बनाया इसे मैंने 10 नंबर की सिलाई पे, 10 नंबर की सिलाई पे बनाया इसे। पूरी मैंने 10 नंबर की सिलाई पे ही बनाया फ्रेंड्स। बॉर्डर पे भी मैंने 10 नंबर लगाया और बाकी भी पूरा ऊपर का भी मैंने 10 नंबर पे ही बनाया है। बॉर्डर अलग सिलाई पे नहीं बनाया फ्रेंड्स, पूरा 10 नंबर पे ही मैंने बनाया। ये सारा सामान हटा देते हैं, जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी आगे आगे ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, इसको बनाने के आप किसी भी साइज़ में बना लें, छोटे बच्चे के लिए बना लें, बड़े साइज़ में बना लें, फंदों का फ़र्क पड़ेगा। आपने बड़े साइज़ में बनाना है तो मैं आपको पूरा इसका बता देती हूँ मैंने कैसे कैसे इसे बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने, आपने जिस भी साइज़ का बनाना है, मैं अपना साइज़ बता दूँगी, वैसा नहीं है, आपने जिस भी साइज़ का बनाना है उस साइज़ के फंदे डालेंगे, बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए, मैंने एक सीधा एक उल्टा वाला बॉर्डर बनाया है। उसके बाद आपने बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं, क्योंकि ऊपर से ये खुला खुला अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ऐसा स्वेटर ऊपर से थोड़ा लूज़ हो तभी अच्छा लगता है, बिल्कुल टाइट हो फिर ये वाला स्वेटर अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा इसे खुला खुला ही बनाना। और मैंने वी गला बनाया है, ये देखिए वी गला बनाया है। और बाजू पे ये देखिए, बाजू अगर आप बनाएंगे तो बाजू का बॉर्डर थोड़ा फ्रेंड्स थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई रखना इसकी। ये देखिए, ज़्यादा चौड़ाई रखना क्योंकि ग्रिप पे इसकी पकड़ बनी रहती है, स्ट्रेचेबल जैसा पकड़ बनी रहती है। थोड़ा बड़ा बॉर्डर होगा बाजू पे तभी अच्छा लगेगा। और बाजू के ऊपर आपने फंदे, यहाँ से आप 15 फंदे, इतने 15 फंदे बढ़ा लें, क्योंकि बाजू भी थोड़ा खुला होगा तभी, स्वेटर खुला होगा तो बाजू भी खुला होगा तभी अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप 15 फंदे बढ़ा लें। उसके बाद आपने ये देखिए, साइड से भी आपने फंदे बढ़ाने हैं, फिर यहाँ तक बना लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गैप पे फंदे बढ़ाएंगे। बनाना बिल्कुल सीधा और उल्टा है। आपको मैं इसके ऊपर जो फूल लगाए हैं वो कैसे बनाए हैं और कैसे इनको इसके साथ अटैच किया है ये आपको बताऊंगी आज, अटैच करना भी बताऊंगी और कैसे इसको फूल को मैंने बनाया वो भी बताऊंगी। आप भी पहले बिल्कुल साफ़ स्वेटर बना ले, एक सीधा एक उल्टा रो बनाते हुए बना ले, उसके बाद आपने फूल बनाने हैं और उसके ऊपर आपने जहाँ जहाँ लगाने हैं उसके ऊपर पहले आप मार्क कर लेंगे, स्केच पेन से कर लेना, जहाँ जहाँ लगाने हैं फूल, जितने जितने गैप पे लगाने हैं वहाँ पे आप पहले मार्क कर लेना अच्छी तरह से। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ हमने फूल लगाने हैं। तो ये देखिए कैसे मैंने फूल बनाया था। सबसे पहले नोट लगाएंगे,
ये देखिए नोट लगा लिया। नोट लगाने के बाद हम पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच। पांच चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाली चेन यहाँ पे, फर्स्ट वाली चेन पे आपने स्लिप स्टिच कर देना। स्लिप स्टिच कर देंगे, इस धागे को जहाँ हमने स्टार्ट किया था उसे इस साइड पे ले जाएंगे। फिर दो चेन बनाएंगे, एक दो, दो चेन बना ली। फिर आपने ये देखिए यहाँ पे जो होल बना था, अब हमने ज्वाइंट किया, यहाँ पे जो होल बना था सेंटर में, वहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया निकालना है। एक बार निकाल लिया, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर हम दूसरी बार निकाल लेंगे। इस धागे को साथ ही रखना है फ्रेंड्स, छोटा सा जो धागा है। दो बार, फिर चेन, फिर तीसरी बार, ऐसे ही करते हुए हमें छह बार निकालना है। तीन बार, एक एक चेन बनाते जाना बीच में। चार, पांच, छह, एक एक चेन बनाई बीच में और एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया किया। ऐसे करते हुए हमने छह बार बना लिया। अब क्या करेंगे, एक चेन बना के जहाँ पे हमने फर्स्ट वाला, ये देखिए फर्स्ट वाला बनाया था, वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर देना। फर्स्ट वाला होल जहाँ पे बनाया था ना, दो चेन बना के वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर देना। यहाँ पे करने के बाद हमने चार चेन बनानी है, एक दो तीन चार, ये देखिए चार चेन बना ली। इस धागे को थोड़ा थोड़ा सा लंबा रखेंगे, यहाँ से पकड़ लेना आपने, ये देखिए यहाँ से इस धागे को पकड़ लेना है और इसी जो यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया उसी होल में ऐसे लंबे से निकालने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। दस बार निकाला, यहाँ से पकड़ लेना फ्रेंड्स आपने, दस बार निकाला। आपने जितना बड़ा पफ बनाना है उतनी ज़्यादा बार निकालेंगे उतना बड़ा पफ बनेगा। दस बार निकाला, फिर यहाँ से हमने ऐसे निकालते हुए पूरा बीच में से ऐसे निकालते हुए आना, और यहाँ पे हमारा जहाँ पे चार चेन बनाए थे उसे हमने ऐसे ही रखना है पीछे की तरफ। ये देखिए पीछे की तरफ इसे हमने टाइट करना है। टाइट करेंगे तो ये ऐसे यहाँ से हमने इन दोनों को एक साथ निकाल देना। तो ये देखिए ऐसे पफ बन के आएगा हमारा। फिर से हमने चार चेन बनानी है, एक दो तीन चार, इधर भी चार बनाई थी इधर भी हम चार बनाएंगे। तो यहाँ से हमने पफ निकाला है, वहीं पे हमने निकाल के स्लिप स्टिच करना है। इसे स्लिप स्टिच कर देंगे, ये देखिए। फिर नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे, वहाँ पे भी स्लिप स्टिच करेंगे। जब नेक्स्ट वाले में जाएंगे स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर से हमें जैसे इधर चार चेन बनाई थी फिर से चार चेन बनानी है, एक दो तीन चार, थोड़ा लंबा रखेंगे इसे। फिर यहाँ से हमें दस बार निकालना है, एक दो तीन चार, यहाँ से पकड़ते जाना, पाँच छ सात आठ नौ दस। दस बार निकाल लेंगे तो फिर ऐसे ही पूरा हमें बीच में से लेके जाना है। लास्ट में हमारे पास यही बचना चाहिए जहाँ से हमने चार चेन बनाए थे। फिर हम इसे ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे, पीछे की तरफ टाइट करके, ये देखिए पीछे की तरफ टाइट करके दोनों में से निकाल देंगे। हमारे पास ऐसा पफ बन जाएगा, ये देखिए ऐसे पफ बनते जाएंगे। फिर से यहाँ से चार चेन बनाने हैं, एक दो तीन चार, चार चेन बनाएंगे। उसी चेन में जहाँ से हमने पफ निकाला है वहीं पे डाल के फिर हमें स्लिप स्टिच कर देना। ये देखिए स्लिप स्टिच कर दिया, ये देखिए ऐसे पफ बनते जाएंगे, बड़े प्यारे पफ बनते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही बनाते हुए हमें, हमने छः बार यहाँ पे बनाया था, छः बार हमने यहाँ पे बनाए थे होल, तो छः बार हमें ऐसे ही चार चेन बनाने हैं। फिर उस होल में से दस बार निकालना है, फिर यहाँ पे पीछे करके इसे टाइट ज्वाइंट करना है, स्लिप स्टिच करना है, फिर चार चेन बना के जहाँ से हमने पफ बनाया वहीं पे स्लिप स्टिच कर देना है।
फिर नेक्स्ट वाले होल में स्लिप स्टिच से जाएंगे, फिर वैसा ही रिपीट करेंगे। ऐसा ही करते हुए हम 6 बार पहले पूरे पफ बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 6 बार मैंने ये पफ बना लिए, हमारा पूरा फूल कंप्लीट। 4 चेन बनाई है, यहाँ से हमने पहले पफ बनाया, वहीं पे हमने इसे स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर पीछे की तरफ लेके जाके 2 चेन बनाएंगे ताकि पक्का हो जाए, खुले ना। फिर यहाँ से कट कर देंगे, कट कर देंगे। ये देखिए अब क्या करेंगे, अब हम ये देखिए बीच वाला पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे आपने थोड़ा सा धागा लंबा रखना है, ये देखिए लंबा रखना है। यहाँ से हमने नोट लगाना है, थोड़ा धागा लंबा रख के यहाँ से नोट लगाएंगे, फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बना के फिर बल लेंगे फर्स्ट वाली चेन। ये देखिए फर्स्ट वाली चेन पे यहाँ से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एक बार यहीं से निकालते जाना हाफ डबल क्रोशिया, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए 8 बार निकाला है। आपने और बार निकालना है, थोड़ा और बड़ा बनाना है तो बना सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने 8 बार निकाला है। फिर हमने सबको इकट्ठा निकालना है, ये देखिए इकट्ठा निकालेंगे लास्ट वाला छोड़ के, ये देखिए लास्ट वाला रह गया। फिर इसे हम जैसे पहले टाइट कर रहे थे टाइट करके फिर स्लिप स्टिच यहाँ पे दोनों को निकाल देंगे, ये देखिए ऐसे बनेगा। फिर यहाँ पे निकाल के 2 चेन बना लेंगे, फिर इधर से भी थोड़ा लंबा रख के काटेंगे, ऐसे लंबा रख के काट देंगे ऐसे। फिर यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे फूल पे हमने यहाँ पे निकालना है, ये देखिए सेंटर में निकाला, ये जो हमने लंबा धागा रखा था इसे पकड़ना है और पीछे की तरफ लेके जाना है, ऐसे पीछे की तरफ यहाँ पे लेके आना है। फिर इधर भी हम ऐसा ही करेंगे, 2 इधर छोड़े 2 इधर छोड़े, सामने सामने की तरफ हमने इधर से भी ऐसे ही निकालना है, ये देखिए। फिर पीछे इसे अच्छे से पक्का करके गांठ लगा देनी है, ये देखिए अच्छे से गांठ लगा देना ताकि खुले ना। गांठ लगा के फिर यहाँ पे हमने कट कर देना है, जो एक्स्ट्रा है वो कट कर देंगे, इसे भी थोड़ा सा कट कर देंगे, ये देखिए ऐसे बनेगा हमारा फूल। आपने अगर और कलरों के बनाने हैं तो बना सकते हैं, मैंने एक ही कलर के पूरी स्वेटर में लगाए हैं, आप अलग अलग कलर के भी लगा सकते हैं, वो भी सुंदर लगेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रेड कलर से मार्क लगाया हुआ है, आपने भी ऐसे जहाँ जहाँ लगाने हैं पहले मार्क कर लेंगे, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स तो बार बार आपको स्वेटर को बिछाना पड़ेगा और बार बार रख के देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ लगाने हैं। अगर मार्क किया होगा तो आप फिर उस मार्क पे ही लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आपके बिल्कुल जल्दी से लग जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, तो यहाँ से निकालेंगे, अब ये वाला फूल इसका धागा पीछे ले जाएंगे, ऐसे पीछे कर देंगे, और यहाँ से ये देखिए यहाँ से हमने 6 6 निकाले थे, वहाँ से निकालना, पहले वहाँ से निकाल के ऐसे ऊपर रख देना है। फिर यहाँ पे हमने बीच बीच में जो 6 6 वाले निकाले थे राउंड में
छह बार होल निकाले थे वहाँ पे हमने पहले पक्का करना है इसे। ये देखिए बीच में से ऐसे निकालते जाना, पूरे राउंड में इसे पक्का कर लेना। हमें अच्छी तरह से इसे पक्का करना है ताकि फिर खुले ना, फूल अच्छी तरह से ऊपर ज्वाइंट हो जाए, इसके ऊपर फिक्स हो जाए। एक एक के ऊपर अच्छी तरह से निकाल लेंगे, फिर हम इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे पूरे ऐसे घुमा के पक्का कर लेंगे, ये देखिए पीछे से पक्का कर लेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। ऊपर यहाँ पे हमने ये देखिए ज्वाइंट किया था, वहाँ से निकाल लेंगे। फिर सेंटर में जहाँ पे हमने चार वाले चेन बनाए थे, चार चार चेन बना रहे थे यहाँ से साइड से, वहाँ से एक बार वहाँ से फिक्स करना है। फिर सेंटर में आ जाना है, यहाँ पे फिक्स करना है, फिर सेंटर में आ जाना है। सेंटर में करके फिर यहाँ पे चार चार चेन निकाले थे, वहाँ से एक बार वहाँ से करना है, एक बार ऊपर से करना है। यहाँ से करेंगे फिर ऊपर आएंगे, ये देखिए एक बार फिर इधर करेंगे, फिर यहाँ पे चार चेन निकाले थे वहाँ पे करेंगे। ऐसे ही करते हुए हमें पूरे राउंड में इसे अच्छी तरह से ज्वाइंट कर देना, इसे अच्छा ताकि पक्का बन जाए, खुले ना। फिर आप इसे जैसे भी हिला लेंगे ये निकलेगा नहीं फ्रेंड्स, अच्छी तरह पक्का किया होगा। एक बार यहाँ से ऊपर जहाँ पे हमने जॉइंट यहाँ पे बनाया था वहाँ पे ज़रूर करना है। एक बार इधर चार चेन जहाँ पे बनाए थे चेन को लेके एक बार यहाँ पे फिक्स करते जाना, एक बार यहाँ पे फिक्स करते जाना, तो हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से फूल पक्का बन जाएगा। फ्रेंड्स इस स्वेटर को ज़रूर बनाना, बहुत सुंदर लगती है पहनी हुई बच्चों को, आप किसी भी साइज़ में बना लें। अगर आप कोई डिज़ाइन नहीं बना रहे तो उसके ऊपर ऐसे फूल बना के लगाएंगे तो बिल्कुल रेडीमेड जैसा स्वेटर बन जाएगा, बहुत सुंदर लगता है बच्चों को पहना हुआ। ये देखिए हमारा फूल, ये देखिए आप उठाएंगे भी तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया। आप पीछे से ऐसे पक्का करके यहाँ पे कट कर देंगे, ये देखिए ये मैंने ये देखिए इतने इतने डिस्टेंस पे लगाए हैं, आपने जितने लगाने लगा सकते हैं डिस्टेंस पे, क्लोज लगाने हैं, थोड़े नज़दीक नज़दीक लगाने हैं वो भी लगा सकते हैं, पर इतने इतने डिस्टेंस पे अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। आप भी ऐसे ही बनाना, तो इसे बना के ज़रूर ट्राई करना। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर योर टाइम, आगे मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ।